नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल माई एस्ट्रो गाइड में स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूं कि मेष राशि के लिए वर्ष 2018 कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कमेंट कीजिए तथा उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई अगर क्वेरी है तो हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी के लिए पूछ भी सकते हैं। और अब आइए स्टार्ट करते हैं मेष राशि। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि मेष राशि के लोग होते किस तरह के हैं। दोस्तों मेष राशि के लोग जो हैं चर राशि होने के कारण जो हैं वो एक जगह पे बहुत देर तक कंसंट्रेशन से काम नहीं कर सकते, लेकिन जिस काम को करने के एक बार ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। दूसरी बात, फायरी नेचर होने के कारण ऐसे लोग जो हैं मेष राशि वाले लोग गुस्से वाले होते हैं तथा वो लड़ाई झगड़ा करने में भी पीछे नहीं हटते हैं तथा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और जिद्दी होते हैं। उन्होंने जो एक बार ठान लिया उसको कोई फिर चेंज नहीं कर सकता। तो अब मैं बात करूंगा कि वर्ष 2018 में मेष राशि वाले लोगों के साथ क्या क्या होगा, क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जॉब से। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बताऊंगा भी कि टेक्निकल टर्म भी समझाऊंगा ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और जो लोग जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है वो पता लगे कि कोई भी चीज जो है वो ऐसे नहीं आया कि मन में आके बोल दी। टेक्निकली आपको टर्म समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या होगा और ग्रहों का कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैरियर। कैरियर में दोस्तों सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो जॉब करते हैं। जॉब करने के लिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, आइए सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए देखा जाएगा 10th हाउस। 10th हाउस में राहु और केतु का योग होने से जो है लोगों को अपने कैरियर में इस साल जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल रहेगा वो लोग जो जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु है यहाँ पे केतु है। पहला वीक पॉइंट। दूसरी बात अगर हम करें दोस्तों तो शनि जो है 10th हाउस के लॉर्ड होकर के अपने से 12वें में चले गए हैं। हालांकि भाग्य स्थान पे गए हुए हैं बट फिर भी अपने से 12वें में गए हैं, तो ये बताता है कि प्रोफेशनली आपको बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा और आपको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको आपको जुनून पैदा करना पड़ेगा। और मेष राशि वाले ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मंगल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है, हिम्मत बहुत ज्यादा होती है जो मेष राशि वाले लोग होते हैं, जो जो मंगल की राशि वाले लोग होते हैं। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई कि आपको स्ट्रगलिंग रहेगा ये साल, थोड़ा सा प्रमोशन के चांसेस भी थोड़ा सा कम रहेंगे और आपको दूसरों के अपेक्षा बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और ऑफिस में आपके किसी तरह की पॉलिटिक्स वगैरह से आपको बचना पड़ेगा। हालांकि ऐसा पूरा साल नहीं रहेगा क्योंकि जैसे जैसे मंगल मंगल जो है सबसे पहले तो मंगल और गुरु का यहाँ पे पारिजात योग बनेगा, तो साल के शुरू में स्टार्टिंग तो बड़ी अच्छी है। साल के शुरू में स्टार्टिंग आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि मंगल और गुरु एक साथ बैठे बैठेंगे यहाँ पे, और मंगल यहाँ से फोर्थ दृष्टि से अपनी चौथी दृष्टि से 10th हाउस को देख के उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो साल के शुरू में ही अगर आपका कोई प्रमोशन वगैरह ड्यू है तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरेगा थोड़ा सा हालत जो है खराब होती चलेगी जो लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बाद मंगल फिर यहाँ पे गोचर करेंगे और खराब हो जाएंगे, यहाँ पे आकर के मंगल और खराब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको सबसे पहले 7th हाउस जो है किसी की भी पत्री में बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। आपका बिजनेस कैसा चलेगा इसको रिप्रेजेंट वो 7th हाउस से देखा जाता है। 7th वर्ष भर 7th हाउस में बैठे रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे मंगल, 16 जनवरी को ही मंगल इस राशि में आ जाएंगे, तो मंगल और गुरु के पारिजात योग से आपको बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इस साल आप बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे और आपको बिजनेस में जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक यहाँ पे अगेन सूर्य का गुरु को साथ मिलेगा, तो सूर्य और गुरु के आने से यहाँ पे एक और सुंदर राजयोग बन रहा है, तो आपको
अगेन यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगा, 1 सितंबर से फिर शुक्र यहाँ पे आएंगे और शुक्र के यहाँ पे आने से शुक्र और गुरु का एक तो संख्योग, उसके बाद शुक्र और गुरु शुक्र का मालव्य योग बनने से बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप कहीं अच्छी जगह और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो लोग बिजनेस वाले हैं उनको ये साल, अगर मैं बोलूं टोटैलिटी में, तो ये साल जो है वो गुड में आएगा, गुड और वेरी गुड के कहीं आसपास ये बैठेगा। थर्ड चीज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, फाइनेंस, कि इस साल में आपकी इनकम कितनी होगी, आपकी सेविंग्स कितनी रहेगी और आपके पास पैसा कितना रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फाइनेंस की जहां पर हम बात करते हैं तो हम दो हाउसेस को देखते हैं, सेकंड हाउस जो कि धन को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी सेविंग्स उसको रिप्रेजेंट करता है, और इलेवंथ हाउस जो हमारी अचीवमेंट गेनिंग्स प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करता है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आय के भाव पे। जो इनकम का हाउस ऑफ गेन है, शनि अपनी तीसरी दृष्टि से अपने घर को देखते हैं और स्ट्रांग हो गया। ऊपर से दोस्तों देखिए गुरु यहां से सेवंथ हाउस से यहां से इसको देख रहे हैं, तो पंचम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आय के साधन आपके जबरदस्त इनकम रहेगी आपकी। इस साल आपको पैसा दबा के आने वाला है, पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। पैसा खासकर बिजनेस से बहुत ज्यादा आएगा, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन जो जॉब करते हैं उनको स्ट्रगल तो है लेकिन पैसे की कमी उनके पास भी नहीं रहेगी। अच्छी सेविंग्स आप कर सकते हैं और पूरे साल भर आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। थोड़ा सा मैं बोलूंगा यहां पे जब शनि वक्री हो जाएंगे बीच बीच में कभी, तो आ करके कहीं थोड़ा बहुत पैसे का आना जो है थोड़ा बहुत रुक सकता है, लेकिन फाइनेंशियली ये साल आपको बहुत ज्यादा देके जाएगा। तो अगर आप फाइनेंस की बात करें तो यह भी गुड और वेरी गुड के बीच में कहीं सेट होता है, तो वेरी गुड अगर मैं इसको बोलूं तो बुरा नहीं होगा। जो फाइनेंशियल अगर आस्पेक्ट देखें मेष राशि वालों का, तो पैसा तो इस साल आने वाला है और सेविंग्स भी होने वाली है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम तीसरी बात आ जाते हैं एजुकेशन पे। दोस्तों एजुकेशन के लिए हम पत्रिका जो है फिफ्थ हाउस देखते हैं, तो यहां पे हम चंद्रमा से पांचवा घर देखेंगे, तो पांचवा घर में सूर्य की राशि पड़ती है और सूर्य की राशि पे कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि नहीं डाल रहा, तो ना बहुत अच्छा हो रहा है ना बहुत बुरा हो रहा है, एवरेज पे हम आ गए। लेकिन उसके बाद हम गुरु की पोजीशन देखते हैं, गुरु यहां से तीसरे हाउस पे है, मतलब जब भी कोई ग्रह किसी भाव से तीसरे घर पे जाता है तो उसे अच्छा माना जाता है। तो यहां पे क्या हो गया आपको कि एवरेज से थोड़ा ज्यादा आपकी एजुकेशन रहेगी आपको, लेकिन मेहनत करने की थोड़ा सा जरूरत है। रिजल्ट आपको जरूर आएंगे, बहुत अच्छे नहीं आएंगे फिर भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, जितनी आप मेहनत करो कम से कम उससे तो थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना होकर के फिर भी पॉजिटिव रहेगा ये साल। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा, हम बात करते हैं हेल्थ कैसी रहेगी, जो लोग मेष राशि वाले लोगों के लिए हेल्थ कैसा रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए दोस्तों पहले ही चंद्रमा यहां पे है, जो मेष राशि है तो चंद्रमा यहां पे है, गुरु और चंद्रमा का गज केशरी योग बन रहा है और गुरु जो है चंद्रमा को यहां पे देख रहे हैं और मंगल वैसे भी गुरु के मित्र हैं, तो गुरु का यहां पे दृष्टि होने से जो है हेल्थ में अगर कोई बीमारी भी चल रही है तो भी हेल्थ में आपको थोड़ा सुधार आएगा। और हेल्थ के लिए जो है ये हाउस मेष राशि वाले लोगों के लिए हेल्थ के लिए ये साल जो है बेहतर साल है, बहुत खराब भी नहीं बल्कि एक अच्छा साल है, मैं इसको हेल्थ के लिए बोलूं तो गुड ईयर रहेगा। और किसी ग्रह की लग्न पे दृष्टि नहीं है, चंद्रमा को कोई ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा है और सिर्फ गुरु देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बोलूंगा कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं अब रोमांस लव, जो लोग शादी करना चाहते हैं जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए दोस्तों ये साल बहुत अच्छा साल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए ये है हाउस ऑफ रोमांस लव इमोशंस, यहां पे कोई भी ग्रह किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है यहां पे, और यहां पे सूर्य खासकर 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए शादी का यहां पे योग है, उनका शादी भी हो सकती है। और इमोशंस रिलेशनशिप को लेकर के ये साल एवरेज मैं बोलूंगा रहेगा, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा बट हाँ एवरेज ये साल रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों एक बात और लास्ट की, प्रॉपर्टी वगैरह
क्या मेष राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड सही रहेगा या प्रॉपर्टी का बिजनेस करना या प्रॉपर्टी खरीदना सही रहेगा, आइए देखते हैं। फोर्थ हाउस दोस्तों किसी भी पत्री में प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है और फोर्थ हाउस में राहु के बैठने से ये हाउस बिल्कुल खराब हो गया। राहु के बैठने से ये हाउस खराब हो गया। वैसे भी कर्क राशि का राहु आदमी को, अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, आप फंस जाओगे, वहां पे आपको परेशानियां दे सकता है और वहां पे वो खराब करेगा। और किसी ग्रह की यहाँ पे दृष्टि नहीं जा रही है, कोई भी ग्रह जो है यहाँ पे दृष्टि नहीं दे रहा है। हालांकि मंगल जो है जब यहाँ पे आएंगे तब जाकर के दृष्टि देंगे, फिर भी अपने नीचंस को देंगे। 2, 5 से 6, 11 का टाइम तो बहुत ही खराब है प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे मंगल यहाँ पे आएंगे, मंगल और राहु का अंगारक दोस्त बनेगा और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो प्रॉपर्टी के लिए ये ईयर बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि टोटैलिटी में कैसा रहेगा ये साल। तो सबसे पहले हमने बोला था जॉब के लिए ये साल एवरेज रहेगा, बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूंगा। बिजनेस के लिए गुड, वेरी गुड, बल्कि वेरी गुड हो सकता है। फाइनेंस के लिए बात करें तो फाइनेंस के लिए भी वेरी गुड है ये ईयर। इस साल आप खूब पैसा कमाएंगे, काफी सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी करेंगे। उसके बाद फैमिली के लिए अगर देखें तो ये गुड है ये ईयर। एजुकेशन के लिए देखें तो ये गुड है और हेल्थ के लिए देखें तो ये एवरेज है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए जो है ये खराब है। तो मेष राशि वालों के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।